सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा बड़ा लोचा हो गया है, मतलब पेट्रोल और डीजल सब कुछ ख़त्म हो गया है। आज मैं काम पे गया था तो फिर ऑफिस में भी बोल रहे थे सारा विरार का भी पेट्रोल पंप और वसई का भी वो भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर गर्दी देख सकते हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देख पिछले साइड भी है, इतनी सारी ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर ही है यहाँ पर, मतलब पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पर टू व्हीलर ही है और डीजल वाले बहुत कम है। अरे क्या आवाज़ आ रही है, क्या पता शायद हवा भरने की आवाज़। क्या हुआ, एक बार मुझे न्यूज़ पे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर और उस साइड में, तीनों साइड में देखिए। और यहाँ पर पूरे भाइंडर में सिर्फ यही एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्दी हो रही है। और लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ पर चालू होगा, तो फिर यहाँ पर चालू, लेकिन कब तक पेट्रोल बचेगा वो पता नहीं। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा भाई बोल रहा है मुझसे दूर ही रहे। ये जो पीछे का आदमी दिख रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है, अच्छे दिन आने वाले वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ बोल रहा है, पेट्रोल की बात लगी है वगैरह वगैरह, लेकिन बोल रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की मंदी हो रही है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो रही है गाड़ियों की। सो अभी फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है, ये कॉमेडी कर रहा है पीछे से, सुना रहा है उसको कि अच्छे दिन आ रहे, ये बोल रहा है मोदी, वो बोल रहा है मोदी वगैरह वगैरह। अभी धीरे धीरे गाड़ी आगे ले रहे। सो ये देखिए पीछे की तरफ देखिए, मेरा भाई यहाँ पर आ गया, सिर्फ 10 मिनट हुए और 10 मिनट में यहाँ तक पहुँचा मेरा भाई। और पीछे से गाड़ियाँ देखिए आप, और ये देखिए बहुत कम, और ऊपर देखिए ऊपर चढ़े हुए कुछ लोग, आपको जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ पर पेट्रोल भरते वहाँ पर भी चढ़े हुए लोग। सो ये क्या चल रहा है क्या पता, पब्लिक समझ ही नहीं रहा था। हाँ क्या करें, अच्छे दिन आने वाले, 15 लाख रुपया क्या 15 रुपये भी नहीं है। पीछे से मस्त कॉमेडी कर रहा है, अच्छे दिन आ गए क्या वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन कॉमेडी अच्छी कर रहा है। सो मज़ा आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर भी भीड़ है, देखिए पिछले तरह। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर भी पिछली तरफ भीड़ है। सो कई ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुके हैं, पेट्रोल भराने के लिए भी ट्रैफिक जाम हो चुकी है, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर पेट्रोल डीजल का टैंकर धूल खाता पड़ रहा है गाइस। अभी भी सर्च किया था और मेरे भाई ने भी बताया कि मंदी वगैरह हो रही पेट्रोल डीजल की, तो फिर वो जो अभी नया कानून आया है जो 10 साल की जेल, वो जो ट्रक वाले के बारे में बोल रहे हैं 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना वगैरह वगैरह एक्सीडेंट हो जाने पर, तो उसकी वजह से जो हड़ताल हो रही है उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर पेट्रोल वगैरह डीजल की मंदी हो रही है, हड़ताल हो रहे हैं, सारे ट्रक वाले हड़ताल पर चले गए और उसी वजह से ये सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो टैंकर वाले रहते हैं वो भी एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, जैसे कि ये टैंकर खड़ा है अभी फिलहाल, तो फिर ये भी काम पर नहीं आएगी, बाकी और भी कुछ लोग नहीं आए, तो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब सर्विस नहीं हो पाती ना पेट्रोल या फिर डीजल की, तो इसी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो गाइस आप सोच ही सकते हैं कि सिर्फ एक ही दिन पेट्रोल या फिर डीजल का टैंकर ना आने की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो गाइस जो प्रॉब्लम लोगों पर आ रही थी उससे कई गुना ज़्यादा अब हम पर आ चुकी है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल वाले हैं वो सिर्फ ओनली कैश लेना चाहते हैं और हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ही बैलेंस है। सो ऑनलाइन बैलेंस नहीं ले रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्दी है, तो फिर इसी वजह से ऑनलाइन बैलेंस वगैरह नहीं ले रहे, सिर्फ कैश ही ले रहे। सो कैश का ही सिस्टम चल रहा है अभी फ़िलहाल, सो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मेरा भाई का दोस्त है तो फिर वो कैश लेके आ रहा है अभी फ़िलहाल। अभी हमारा पेट्रोल भराने के लिए नंबर लग चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि पैसे नहीं है, तो फिर भाई पैसे मांग रहा है अभी फ़िलहाल, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके 500 रुपये मांग रहा है। सो गाइस कई लोग ऐसे ही मांग रहे हैं पैसे जिनके पास पैसे नहीं है। वो देखिए गाइस फिर से एक बार पीछे झगड़ा हो चुका है, वो देखिए वहाँ पर झगड़ा हो रहा है अभी फ़िलहाल, समझा रहे होंगे। तो हमने तो पेट्रोल भरा लिया और भाई ने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए लड़के को,
ऐसा कहा जाए कि ट्रक वालों का आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, इसी वजह से ऑल ओवर इंडिया में पेट्रोल डीजल की मंदी चल रही है, और ये सब रीज़न उन कानूनों की वजह से हो रहा है जो अभी अभी भारत सरकार ने लाए हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ ख़राब साबित हो सकते हो, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुबह जब हम निकलते हैं तो आपका इस कानून के बारे में और इस मंदी के बारे में पेट्रोल डीजल के, तो इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर कहना, और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।